फ्रेंड्स, दिस कुशाग। वेलकम टू कुशाग सेंटर फॉर एक्सलेंस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 2 क्लास 7 का इनसाइड अवर अर्थ। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर है इनसाइड अवर अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर, यानी कि हम पढ़ेंगे आज अर्थ के अंदर के बारे में और अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, हम सबको पता है कि अर्थ के आउटसाइड क्या क्या होती है, जैसे लिविंग थिंग्स होते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स, ओशियंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब होते हैं। सो हमें सबको पता है कि अर्थ के आउटसाइड क्या होता है, तो इसी चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अर्थ के इनसाइड क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में लेयर ऑफ द अर्थ, फिर लेयर ऑफ द अर्थ में पढ़ेंगे क्रस्ट, मेंटल, कोर, फिर पढ़ेंगे हम रॉक्स। रॉक्स में हम पढ़ेंगे 3 टाइप की रॉक, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक। फिर हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल, फिर हम पढ़ेंगे मिनरल्स क्या होते हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं कि लेयर ऑफ द अर्थ, या हम इसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं। देखिए क्या क्या है अर्थ की लेयर्स। सो मान लीजिए, एग्जांपल लेते हैं कि एक वाटरमेलन है। वाटरमेलन को हमने एक कट कर लिया है, इसे वाटरमेलन को कट कर लिया, तो यहाँ पर उसका जो हमने कट करा था वो पीस यहाँ पे आ गया। ऐसे अर्थ है। अब ये क्या है, अर्थ है। और ये क्या है, हमने अर्थ को कट करा उसके सेंटर से उसके सरफेस से सरफेस तक, यानी कि उसके सरफेस से उसके सेंटर तक कट करा। सो ये पीस निकल कर आया अर्थ का। फिर इससे ही हमें पता चलेगा कि अर्थ के इनसाइड क्या क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट होती है क्रस्ट, फर्स्ट लेयर होती है क्रस्ट, फिर होती है मेंटल, फिर होती है कोर। देखिए, फिर देखिए कि हम फर्स्ट में पढ़ेंगे कि क्रस्ट क्या होती है। क्रस्ट क्या होती है, देखिए ये क्या है, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ये क्या है, अर्थ सरफेस की सबसे अपर मोस्ट लेयर है, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, सबसे अपर मोस्ट लेयर है। देखिए, फिर देखिए कि इट इज द थिनेस्ट लेयर। ये क्या है, सबसे थिनेस्ट लेयर भी है। देखिए, सबसे थिनेस्ट लेयर है। सो फिर देखिए, ये जो होती है क्रस्ट जो होती है 35 किलोमीटर की होती है। कितनी की, सिर्फ 35 किलोमीटर की होती है। फिर देखिए क्रस्ट जो होती है, क्रस्ट में जो कॉन्टिनेंटल मास जो होता है वो कॉन्सिस्ट करता है सियाल को। और ये जो सियाल होता है, सियाल कॉन्सिस्ट करता है SI और SI एंड AL, यानी कि SI का मतलब सिलिकॉन, AL का मतलब एल्यूमिनियम, इनको ये कॉन्सिस्ट करता है, कौन हमारा, सियाल। और इसे ये इन्हें कॉन्सिस्ट करता है, इसलिए क्रस्ट को हम सियाल भी कह सकते हैं। पर देखिए, मेंटल क्या होता है, मेंटल में देखिए, ये मेंटल वो वाले मेंटल मत समझिए, मेंटल यानी कि ये क्या है, सबसे मिडिल, ये मिडिल लेयर है। ये मिडिल लेयर कैसे है, देखिए यहाँ पे देखिए आप, मिडिल लेयर है, यानी कि बीच में जो लेयर होती है मिडिल लेयर है, कौन, मेंटल। देखिए कि मेंटल जो होती है 2900 किलोमीटर की होती है। कितनी, 2900 किलोमीटर। पर देखिए कि ये मेंटल कॉन्सिस्ट करती है सीमा को, और ये सीमा कॉन्सिस्ट करती है, सीमा कॉन्सिस्ट करती है SI एंड MG, SI और MG ग्रुप, यानी कि SI यानी कि सिलिकॉन, MG यानी कि मैग्नीशियम। सो इसलिए हम मेंटल को सीमा भी कह सकते हैं। तो फिर देखिए कोर, कोर क्या होता है, कोर क्या होता है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है। क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। देखिए यहाँ पे आप, इनर मोस्ट लेयर है, अगर हम इस पीस को जोड़ देंगे वापस से, सो ये क्या बनेगी, सबसे इनर मोस्ट लेयर बनेगी कोर। सो ये क्या हुआ, सबसे इनर मोस्ट लेयर हुई कोर। देखिए कोर 3500 किलोमीटर की होती है। कितनी, 3500 किलोमीटर। सो ये क्या है, सबसे ज्यादा किलोमीटर की होती है कोर, कोर। फिर देखिए कि कोर कॉन्सिस्ट करती है लीफे को, किसको, लीफे। और लीफे कॉन्सिस्ट करता है किसको, NI एंड FE, NI और FE को। इसका मतलब क्या होता है, देखिए NI का मतलब होता है निकिल, और FE का मतलब होता है फीरियस, या आयरन भी कह सकते हैं। सो समझ में आया, नीफे क्या होता है, और कोर को हम नीफे भी कह सकते हैं, क्या, नीफे। सो समझ में आया, मेंटल, क्रस्ट, कोर, ये क्या होती है, ये लेयर अर्थ की समझ में आ गया। फिर देखिए गाइस, रॉक्स, रॉक्स क्या होती है। अब रॉक्स देखिए, रॉक्स क्या है, ये एक, ये नेचुरल मास जो होता है, नेचुरल मास किसका, मिनरल्स का। अभी हम आगे मिनरल्स पढ़ने वाले हैं। मिनरल्स का जो नेचुरल मास जो होता है, सो दैट मेक अप अर्थ क्रस्ट,
मास मास किससे बना होता है? अर्थ क्रस्ट से, उसी को हम कहते हैं रॉक्स। क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। पर देखिए गाइस, ये रॉक्स थ्री टाइप के होती है, इग्नियस रॉक्स, एक सेडिमेंटरी रॉक, एक मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक्स क्या होती है? इग्नियस रॉक मतलब कि जो रॉक मोल्टन मैग्मा से बनती है। किससे? मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा से कैसे? कूल होने से। किसके? कूल होने से और सॉलिड बन जाने से बनती है इग्नियस रॉक। कैसे बनती है चलिए देख भी लेते हैं। देखिए कैसे बनती है गाइस, यहाँ पे देखिए आप, ये मान लीजिए कि वोल्केनो है। क्या है? वोल्केनो मान लिया हमने। चलिए यहाँ पे ये लावा भरी हुई है और यहाँ पे देखिए तो ये नीचे कर देती है। ये क्या है? ये क्या है? ये मैग्मा है। क्या है? ये मैग्मा है और मैग्मा यहाँ से इसे हीट दे रहा है। मैग्मा है यहाँ से, और जब ये मैग्मा मोल्टन मैग्मा, इसे हम मोल्टन मैग्मा भी कह सकते हैं। जब ये मोल्टन मैग्मा कूल कैसे होता है? देखिए कूल और सॉलिड में चेंज होता रहता है। कैसे? जब ये बाहर निकलता है ऐसे, बाहर जब ऐसे निकलता है हमारा, जब मैग्मा या लावा कह सकते हैं हम, जब ये बाहर ऐसे निकलती है तो क्या बन जाती है? ये बाहर जब निकलेंगी कूल होंगी। क्या होंगी गाइस? कूल होंगी। इसलिए जब कूल होती है तो क्या आ जाती है? ये सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। कैसे? सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। सो इसी को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स के भी टू टाइप होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक और एक होता है इंट्रूसिव रॉक्स। यानी कि देखिए बस समझ लेते हैं कि इंट्रूसिव रॉक क्या होती है। इंट्रूसिव रॉक में देखिए क्या होता है कि इंट्रूसिव रॉक्स नाम से पता चला है, इन यानी कि जो मोल्टन मैग्मा कहाँ पे? अंदर होता हो उसे क्या कहते हैं? अंदर कूल होता हो। कैसा होता है अंदर? देखिए जब यहाँ पे कुछ मैग्मा ऐसे होता है कि वो यहाँ पे बाहर नहीं जाता, कहाँ पे आ जाता है? ऐसे यहाँ पर आ जाता है। सो जब ये यहाँ पर यहाँ आ जाएगा तो जब ये बाहर तो आ रहा है तो क्या होगा? ये कूल हो जाएगा। जब ये कूल हुआ तो क्या होगा कि इससे एक रॉक भी बनेगी। सो उसी रॉक को हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। क्या कहते हैं? इंट्रूसिव रॉक। और ये रॉक क्या बन गई? सॉलिड भी बन गई। समझ में आया क्या होती है ये? सो फिर देखिए कि अब ये जो होती है यहाँ पे जो हमारी हमने तो इंट्रूसिव रॉक्स तो पढ़ ली, अब एक्सट्रूसिव रॉक क्या होती है? एक्सट्रूसिव रॉक मतलब कि जो बाहर जो हो रहा होता है, जब बाहर मोल्टन मैग्मा कूल होता है तो आप कहेंगे कि इग्नियस रॉक्स में भी आता ही होता है। पर क्योंकि यहाँ पे इनसाइड भी हो रहा है और यहाँ पे आउटसाइड हो रहा है, दोनों जगह से क्या बन रही है? इग्नियस रॉक्स बन रही है। ऐसे ही बिल्कुल सेम होगा कि जब मैग्मा क्या होगा बाहर निकलेगा तो वो कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा, उससे एक रॉक बन जाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक। समझ में आया इग्नियस रॉक क्या होती है? फिर देखिए कि सेडिमेंटरी रॉक क्या होती है। सेडिमेंटरी रॉक में क्या होता है कि ये क्या होती है? जब ये सेटल डाउन होने से बनती है, मतलब कि ये सेडिमेंट से बनती है। सेडिमेंट जब सेटल डाउन हो जाता है उससे बनती है। किसके थ्रू? बाय एयर, वाटर एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन से। देखिए कैसे बनती है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या थी हमारी? एक रॉक थी, इस रॉक का नाम था इग्नियस रॉक। फिर जब ये छोटे छोटे पीसेस में आ जाती है, जब ये टूटने लगती है छोटे छोटे पीसेस में आ जाती है, सो उससे क्या होगा कि जब एयर आएगी, वाटर आएगी, रेन प्रेसिपिटेशन होगा, सो इससे क्या होगा कि उसके जो पार्टिकल्स के थ्रू क्या हो जाएगी? सेटल डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेटल डाउन हो जाएगी। उससे क्या बन जाएगी हमारी? ये सेडिमेंटरी रॉक बन जाएगी। इससे हमारी सेडिमेंटरी रॉक बन जाएगी। पता चला कैसे बनती है सेडिमेंटरी रॉक? सो देखिए अब देखिए कि अब मैंने आपको बता दिया दो रॉक्स के बारे में, बताया इग्नियस और सेडिमेंटरी। अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है। मेटामॉर्फिक रॉक में देखिए ये क्या होती है? चेंज इन फॉर्म, अपनी फॉर्म को चेंज करने से बनता है। मतलब कि इससे क्या बनती है? एक न्यू रॉक बन जाती है। किससे? इसी उस न्यू रॉक को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब कैसे अपनी फॉर्म को चेंज करता है, कैसे न्यू रॉक बनती है? देखिए कि
जब बाय प्रेशर एंड हीट, किसके थ्रू? प्रेशर से और हीट के। देखिए जब यहाँ पे क्या है, क्रस्ट है, ये अर्थ क्रस्ट है, और जब ये यहां से क्या देंगी, प्रेशर देंगी, यहां से ये प्रेशर दे रही है। देखिए जब यहां से प्रेशर दिया और यहां से हीट दी, किसने दी हीट? यहां से दी मैग्मा ने हीट। सो इससे क्या हुआ कि यहाँ की जो सेडिमेंटरी रॉक थी वो क्या हो जाएंगी, वो अपना फॉर्म चेंज कर देंगी, और इससे क्या बनेगी, एक न्यू रॉक बनेगी। उसी न्यू रॉक को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सेडिमेंटरी रॉक, सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे। सो समझ में आया, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, सेडिमेंटरी रॉक क्या होती है, इग्नियस रॉक क्या होती है। सो अपने रॉक्स भी पढ़ लिया। फिर आता है रॉक साइकिल। क्या होता है रॉक साइकिल है, मतलब कि जो ये रॉक्स जो होती है, देखिए ये रॉक्स जो होती है, और जब ये मैग्मा से रॉक्स बनती चली जाती है और वापस से ये मैग्मा बन जाती है, इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे वाटर साइकिल में साइकिल चलती रहती है, वैसे ये रॉक साइकिल में ऐसी साइकिल चलती रहती है। देखिए कैसे चलती है, चलिए देखते हैं कैसे ये साइकिल चलती है। फिर देखिए कैसे चलती है ये रॉक साइकिल। यहाँ पे तो ये बन गया है वोल्केनो, कैसे, मतलब कि एक यहाँ पे निकल दी मैग्मा हो गया, और यहाँ से क्या होगा, मैग्मा से जब क्या बनेगी, इग्नियस रॉक्स बनेगी। क्या बनेगी, एक इग्नियस रॉक बनेगी। इग्नियस यानी कि यहाँ मैंने लिख दिया आई, यानी कि इग्नियस रॉक बनेगी। कैसे बनेगी, जब ये मैग्मा जो होता है, जब भी कूल होगा सॉलिड फॉर्म में आएगा, सो क्या बन जाएगी, इग्नियस रॉक। फिर जब इग्नियस रॉक्स क्या बन जाएगी, सेडिमेंट्स में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, बाय एयर वाटर प्रेसिपिटेशन। सो आ गई, देखिए सेडिमेंट्स में आ गई। जैसे सेडिमेंट्स हो गए, फिर सेडिमेंट्स जब सेटल डाउन होते हैं तो क्या बनता है, सोचिए क्या बनता है। सेटलमेंट जब सेटल डाउन होता है, सेडिमेंट्स जब सेटल डाउन होते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना, सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ बन गई ये सेडिमेंट्री रॉक, यहाँ मैंने लिख दिया एस, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। फिर जब ये सेडिमेंट्री रॉक अपनी फॉर्म चेंज करती है, तो कौन सी न्यू रॉक बनती है, क्या बनती है न्यू रॉक, जैसे मैंने आपको बताया था मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक। फिर ये अब मेटामॉर्फिक रॉक से वापस कैसे मैग्मा बनती है, वापस कैसे मैग्मा बनती है, क्वेश्चन आ गया, वापस कैसे मैग्मा बनती है, सोचिए कैसे बनती है वापस मैग्मा। जब यहाँ पे देखिए, चलिए वोल्केनो हो गया और यहाँ पे हो गया है मैग्मा, देखिए यहाँ पे ही मैग्मा आ गया, और यहाँ पे क्या हो गई, क्रस्ट हो गई, अर्थ क्रस्ट हो गई। और जब ये अर्थ क्रस्ट ने यहाँ से क्या दिया था, प्रेशर दिया था, प्रेशर दिया था, और यहाँ से हीट दी थी किसने, मैग्मा ने, तो क्या कर लेगा ये मैग्मा, बहुत क्या होता है, हॉट होता है, इसलिए ईट कर लेगा। किसको ईट करेगा, मेटामॉर्फिक रॉक को, और अर्थ क्रस्ट जो प्रेशर दे रही थी। सो क्या बन जाएगा, वापस से कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, वापस से क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। समझ में आया, अभी क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, क्योंकि हमने तो पढ़ लिया कि कैसे मेटामॉर्फिक रॉक से वापस से मैग्मा बनता है। फिर आता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि रॉक्स में हम आगे मिनरल्स पढ़ने वाले हैं, वही मिनरल्स आते हैं। देखिए मिनरल्स इज ए नेचुरली अकरिंग इन ऑर्गेनिक, नेचुरली अकरिंग इन ऑर्गेनिक सॉलिड विद ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड ए ऑर्डर्ड एंड ए ऑर्डरिंग एटॉमिक अरेंजमेंट। यानी कि ये मिनरल्स क्या होते हैं, कि ये मिनरल्स जो होते हैं कि कोई भी इनऑर्गेनिक सॉलिड, जो कोई भी इनऑर्गेनिक सॉलिड अकर होता है, किससे, नेचुरली अकर होता है कोई भी इनऑर्गेनिक सॉलिड, सो उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। विद विद ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, किससे, एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन से, एंड ए एटॉमिक, एंड ए एटॉमिक अरेंजमेंट, किस और किससे, एक एटॉमिक अरेंजमेंट से बनता है, क्या बनता है, इनऑर्गेनिक सॉलिड। सो उसी को हम कहते हैं
मिनरल्स, मिनरल्स पर तो मैं सब माया एग्जांपल सल्फर, सल्फर और वाइज कैल्साइट, कैल्साइट। सो ये होता है एग्जांपल मिनरल्स के, और समझ में आया मिनरल्स क्या होते हैं। सो यही था आज का हमारा टॉपिक इनसाइड अवर अर्थ। सो हमने आज क्या पढ़ा, अर्थ के अंदर के बारे में, और हमने अर्थ के आउटसाइड भी पढ़ ली, अंदर भी होता है। जब आप सोचिए कि अंदर कैसे पता, क्या मैं अंदर गया था अर्थ के, नहीं गया था, क्योंकि क्या थे साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे थे उनके, उन्होंने इसके बारे में भी रिसर्च कर थी अर्थ के इनसाइड क्या होता है, तो उन्होंने साइंटिस्ट ने बताया। सो पता चला कैसे, पता चला हमें कि अर्थ के इनसाइड क्या होता है पहले। सो बट देखिए यही था आज का हमारा टॉपिक हो गया। अगर आपको वही वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आने वाला लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, गाइस बाय।